बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर सिद्दीक नवाज़, अल्पाइन डिग्री कॉलेज खानपुर। आज बेटा हमने डिस्कस करना है लेक्चर नंबर 14, जिसमें क्वेश्चन 6 से 10 डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल्स टाइप क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है, सिल्वर हैज़ एटॉमिक नंबर 47, हैज़ 16 नॉन आइसोटोप बट टू नेचुरली अक्रिंग आइसोटोप, वन इज सिल्वर 107 एंड सेकेंड वन 109। गिवन द फॉलोइंग मास स्पेक्ट्रोमेट्रिक डाटा, कैलकुलेटेड द एवरेज अटोमिक मास ऑफ सिल्वर। हमने एवरेज अटोमिक मास कैलकुलेट करना है। हमारे पास 107 सिल्वर, उसका मास दिया गया है, रिलेटिव अबंडेंस दी गई है। सिल्वर 109, इसका मास दिया गया है, रिलेटिव अबंडेंस दी गई है। तो आंसर की तरफ आते हैं। गिवन डाटा में क्या है, परसेंटेज ऑफ सिल्वर 107 51.84%, मास ऑफ सिल्वर 107 106.90509, परसेंटेज ऑफ सिल्वर 109 48.16, मास ऑफ सिल्वर 109 108.90476। बेटा हमें पता है एवरेज एटॉमिक मास का फार्मूला होता है कि एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ आइसोटोपिक मास मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव अबंडेंस प्लस आइसोटोपिक मास मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव अबंडेंस डिवाइडेड बाय 100। यानी मास ऑफ वन आइसोटोप मल्टीप्लाई इट्स रिलेटिव अबंडेंस, मास ऑफ सेकंड आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव अबंडेंस डिवाइडेड बाय 100। अब हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करें तो ये मास आ गया सिल्वर 107 का, उसकी अबंडेंस, मास आ गया सिल्वर 109 का, ये उसकी अबंडेंस डिवाइडेड बाय 100। सॉल्व करते गए तो एवरेज एटॉमिक मास आता है 107.86 amu, जो कि फ्रैक्शनल एटॉमिक मास भी है, रिलेटिव एटॉमिक मास भी है और एवरेज एटॉमिक मास भी है। तो ये आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, बोरोन विद एटॉमिक मास 5 हैज टू नेचुरली अकरिंग आइसोटोप, कैलकुलेट द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ टू आइसोटोप बोरोन 10 एंड बोरोन 11 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। नंबर 1, हमें एक तो एवरेज एटॉमिक मास दिया गया नियॉन का, बोरोन का। दूसरा, आइसोटोपिक मास दिया गया बोरोन 10 और आइसोटोपिक मास दिया गया बोरोन 11 का। तो गिवन डाटा की तरफ देखें, एवरेज एटॉमिक मास बोरोन का 10.81 amu, आइसोटोपिक मास बोरोन 10 का 10.0129 amu, आइसोटोपिक मास बोरोन 11 का 11.0093 amu। तो अब हम रिक्वायर्ड डाटा की तरफ आएँ तो रिलेटिव अबंडेंस बोरोन 10 की फाइंड करनी है, रिलेटिव अबंडेंस बोरोन 11 की फाइंड करनी है। अब क्योंकि बोरोन के दो आइसोटोप हैं तो बोरोन इटसेल्फ 100% है। अगर एक 20% होता होगा तो डेफिनेटली दूसरा 80% होगा। अगर बोरोन 10 को कंसीडर कर लें कि वो 10 है तो सेकंड वाला यकीनन 100 में से 10 को माइनस करें तो 90%। तो यहाँ पर हम लेट करेंगे कि रिलेटिव अबंडेंस बोरोन 10 की एक्स है, तो यकीनन रिलेटिव अबंडेंस बोरोन 11 की 100 माइनस एक्स होगी। जैसे मैंने अभी समझाया कि अगर बोरोन 10% है तो डेफिनेटली सेकंड बोरोन 11 जो है वो 90% है, क्योंकि बोरोन एलिमेंट टोटल 100% है। दो आइसोटोप हैं, एक अगर 20% तो दूसरा 80%, एक अगर 40% तो दूसरा यकीनन 60%। तो फाइंड करने का तरीका होता है हमारे पास। तो हमने कहा रिलेटिव अबंडेंस बोरोन 10 की एक्स है, रिलेटिव अबंडेंस बोरोन 11 की 100 माइनस एक्स है। अब हमें पता है कि एवरेज एटॉमिक मास इक्वल होता है मास ऑफ बोरोन 10 मल्टीप्लाई इट्स रिलेटिव अबंडेंस प्लस मास ऑफ बोरोन 11 मल्टीप्लाई इट्स रिलेटिव अबंडेंस डिवाइडेड बाय 100। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू, ये बोरोन का मास आ गया, ये एक्स हमने खुद सपोज किया कि ये रिलेटिव अबंडेंस है, ये बोरोन 11 का मास आ गया, ये उसकी रिलेटिव अबंडेंस 100 माइनस एक्स। अब हमें पता है कि एवरेज एटॉमिक मास की वैल्यू गिवन है, वो है 100.81, ये उसकी मल्टीप्लाई कर लिया, सेकंड वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ये मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड किया 100 से, तो ये सारा कुछ अब ये डिवीजन जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करते करते एट द एंड एक्स इज इक्वल टू 20.02%, इट्स मीन के बोरोन 10 जो है वो 20.002% है। अगर बोरोन 10 20.002% है तो डेफिनेटली बोरोन 11 100 में से माइनस करें इसको तो 79.998% इसका आंसर आ जाएगा। फिर है बेटा क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स एंड गिव थ्री एग्जांपल्स ऑफ ईच। ये ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फार्मूला मास, ग्राम आयन
मोलर वॉल्यूम, एवोगैड्रो नंबर, स्टिशियोमीट्री परसेंटेज यील्ड, ये जितने भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं लेक्चर 1 से 10 तक उसके अंदर बेटा ये हम ऑलरेडी ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं विद मोर देन 2 एग्जांपल्स। हर एक की मैंने दो दो तीन तीन एग्जांपल्स कोट की थी, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है। अब है क्वेश्चन नंबर 9, शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जस्टिफाई दैट फॉलोइंग विद रीजन 23 ग्राम सोडियम 238 ग्राम यूरेनियम हैव इक्वल नंबर ऑफ एटम इन दम। तो देखिए जरा, 23 ग्राम सोडियम का मतलब 1 मोल, और 1 मोल में पार्टिकल होते हैं 6.02 मल्टीप्लाई टेंस पावर 23। यूरेनियम 238 का मतलब है 1 मोल, और इसमें पार्टिकल है 6.02 मल्टीप्लाई टेंस पावर 23। हमें पता है कि इक्वल नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम। सो 23 ग्राम सोडियम 1 मोल है, 238 ग्राम यूरेनियम भी 1 मोल है, तो दोनों के पार्टिकल की तादाद कितना होगी, 6.02 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 23। क्वेश्चन नंबर बी, मैग्नीशियम एटम कहता है ट्वाइस हैवियर है, दुगना है, भारी है कार्बन के मुकाबले में। तो हम इसको कैसे करेंगे, हमें पता है कि एटॉमिक मास मैग्नीशियम का 24 और एटॉमिक मास कार्बन का 12। अब 24 कार्बन 12 के मुकाबले में दुगना है, तो मैग्नीशियम इज ट्वाइस हैवियर देन दैट ऑफ कार्बन। या मास ऑफ वन एटम ऑफ मैग्नीशियम कितना है, 24 AMU, तो मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन कितना है, 12 AMU। तो 12 और 24 रेशो अगर बनाएंगे तो हमारे पास रेशो बनेगी 1:2। तो कार्बन मैग्नीशियम के मुकाबले में 2 टाइम लाइटर है, या मैग्नीशियम कार्बन के मुकाबले में 2 टाइम हैवियर है। सिंस द मास ऑफ वन एटम ऑफ मैग्नीशियम इज ट्वाइस द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, देयरफॉर मैग्नीशियम एटम इज ट्वाइस हैवियर देन दैट ऑफ कार्बन। अब बेटा 180 ग्राम ग्लूकोज 342 ग्राम सुक्रोज हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बट डिफरेंट नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन देम। जस्टिफाई करना है, हमें पता है कि 180 ग्राम अगर ग्लूकोज है वो 1 मोल है, उसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। 342 ग्राम अगर सुक्रोज है ये उसका मोलर मास है, तो 1 मोल है इक्वल है एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। सो 1 मॉलिक्यूल मोल ऑफ डिफरेंट कंपाउंड हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, therefore 1 mole यानी 180 ग्राम ग्लूकोज 1 mole 342 ग्राम सुक्रोज contain the same number of molecule यानी 6.02 multiply 10 power 23। अब बात को समझिएगा, 180 ग्राम ग्लूकोज उसमें होते हैं एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में होते हैं 24 एटम, तो 24 से मल्टीप्लाई कर दिया। 342 ग्राम सुक्रोज में एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में होते हैं 45 एटम, तो ये आ गया। अब 24 मल्टीप्लाई एवोगैड्रो, 44 मल्टीप्लाई एवोगैड्रो, 180 ग्राम ग्लूकोज में 24 मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर पार्टी एटम्स हैं, जबकि 342 ग्राम सुक्रोज में 45 मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर एटम है। तो 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज कंटेन करता है 45 एटम, जबकि 1 मॉलिक्यूल सुक्रोज कंटेन करता है 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज, ये बेटा यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, ये मैं ये सॉफ्ट कॉपी जो भेजूंगा उसके अंदर इसको करेक्ट कर दूंगा। 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज कंटेन करता है 24 एटम, यहाँ पे आ जाएगा 24 एटम, वेयर एज 1 मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज, इधर आ जाएगा सुक्रोज कंटेन करता है 45 एटम। इसलिए एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ग्लूकोज कंटेन करेगा डिफरेंट एटम एज कंपेयर टू एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज, हेंस 180 ग्राम सुक्रोज 342 ग्राम ऑफ ग्लूकोज हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बट डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दैट। जस्टिफाई हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 का डी पार्ट, 4.9 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड व्हेन कंप्लीटली आयनाइज इन वाटर हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस बट द नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयंस आर थ्राइस द नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज आयन। बेटा इसको पहले हम 1 मोल पे ले जाते हैं, 1 मोल अगर सल्फ्यूरिक एसिड आयनाइज हो तो ये 2 मोल एच आयन देता है और 1 मोल सल्फेट आयन देता है। हाइड्रोजन आयन कंटेन करता है +1 चार्ज, सल्फेट कंटेन 2 नेगेटिव चार्ज, तो हाइड्रोजन आयन ट्वाइस है इन नंबर देन दैट ऑफ सल्फेट, चार्ज दोनों का इक्वल है। तो देखें 1 मोल अगर सल्फ्यूरिक एसिड है, 2 मोल एच आयन, 1 मोल सल्फेट आयन, अब 1 मोल के मुकाबले में ये दुगना है तो ट्वाइस हो गया। 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड हो तो 2 ग्राम एच आयन देता है 96 ग्राम ये। अब सिमिलरली आयंस प्रोड्यूस पर कंप्लीट आयनाइजेशन 4.9 ग्राम, देखें 98 ग्राम 1 मोल था, 1 मोल से एच आयन डबल मिले, उसके मुकाबले में सल्फेट सिंगल थे, तो सल्फेट आयन की तादाद यानी नेगेटिवली चार आयन की तादाद पॉजिटिव के मुकाबले में 2 टाइम कम है, या हाइड्रोजन आयन की तादाद सल्फेट के मुकाबले में दुगना है।
अब यही चीज जब इसके इसके अंदर देखेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड है, एच आइन सल्फेट आइन, एक के बदले दो, और ये एक 4.9 ग्राम का मतलब है 0.05 मोल, ये 0.1 मोल, ये 0.05 मोल, अब ये 0.05 मोल है, ये 0.1 है, तो एच आइन की तादाद सल्फेट का डबल है। सिमिलरली आइन्स प्रोड्यूस पर कंप्लीट आयनाइजेशन ऑफ 4.9 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन वाटर विल हैव इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, बट द नंबर ऑफ एच आइन्स आर ट्वाइस द देन नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज सल्फेट आइन। फिर है बेटा 1 मिलीग्राम पोटेशियम क्रोमेट, कहता है थ्राइस द नंबर ऑफ आइन्स देन द नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट व्हेन आयनाइज इन वाटर। पोटेशियम क्रोमेट जब आयनाइज होता है वाटर के अंदर तो दो पोटेशियम आयन देता है, एक क्रोमेट आयन देता है। अब पर क्रोमेट पोटेशियम क्रोमेट, क्रोमेट और पोटेशियम आयन, ये दोनों कितने, तीन आयन हो गए। दिस इक्वेशन शो दैट वन फार्मूला यूनिट, ये एक फार्मूला यूनिट था, इसने दो पोटेशियम आयन दिए, एक क्रोमेट आयन दिया, तो एक और दो तीन हो गए, तो टोटल तीन आयन मिले। तो इसे लिखा है इक्वेशन शोज दैट वन फार्मूला यूनिट ऑफ पोटेशियम क्रोमेट प्रोड्यूस टू पोटेशियम आयन्स एंड वन क्रोमेट आयन इन सोल्यूशन, थस अ टोटल ऑफ थ्री आयन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द आयनाइजेशन ऑफ वन फार्मूला यूनिट ऑफ पोटेशियम क्रोमेट। हिंस वट एवर बी द अमाउंट, अब अमाउंट कुछ भी हो फार्मूला यूनिट्स को देखा जाएगा, अगर फाइव फार्मूला यूनिट्स हैं तो डबल पोटेशियम आयन और उसका हाफ क्रोमेट आयन, तो टोटल सम करेंगे तो फार्मूला यूनिट के मुकाबले में थ्राइस हो जाएंगे। तो वट एवर बी द अमाउंट ऑफ पोटेशियम क्रोमेट नंबर ऑफ आयन्स इन द सोल्यूशन विल ऑलवेज बी थ्राइस द नंबर ऑफ इट्स फार्मूला यूनिट। फिर बेटा कहता है 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम मीथेन 44 ग्राम CO2 ऑक्युपाइज सेपरेटली द वॉल्यूम ऑफ 22.414 डेसीमीटर ऑल्दो द साइजेस मैसेस ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ थ्री गैसेस आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। 2 ग्राम हाइड्रोजन 1 मोल 22.414 डेसीमीटर क्यूब इक्वल एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मीथेन 16 ग्राम मीथेन 1 मोल 22.414 डेसीमीटर क्यूब एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। 44 ग्राम CO2 1 मोल ऑफ CO2 22.414 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। डिस्टेंस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल 300 टाइम उनके अपने ही डायमीटर से ज्यादा होता है, इसलिए वॉल्यूम गैसेस साइज और मैसेस पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ पे ये टेम्परेचर आ जाएगा, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर। तो 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम मीथेन 44 ग्राम CO2 कंटेन करता है इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, देयरफॉर एट STP therefore they occupy the same volume 22.414 decimeter cube which is their molar volume at STP. फिर बेटा क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कैलकुलेट, क्वेश्चन नंबर 10 इसके अंदर कहता है कैलकुलेट द फॉलोइंग। नंबर 1 मास इन ग्राम्स ऑफ 2.74 मोल्स ऑफ KMnO4। गिवन डाटा क्या है, KMnO4 के 2.7 मोल हैं, कैलकुलेट क्या करना है मास ऑफ KMnO4, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले मोल नंबर ऑफ मोल्स हैं 2.74, मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। 39 होता है पोटाशियम का, 55 होता है मैग्नीज का, 16 मल्टीप्लाई 4 ऑक्सीजन, तो यह आ जाएगा 158 ग्राम पर मोल। फार्मूला लगाते हैं नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास, तो मास इसे रीअरेंज करेंगे तो ये मास आ जाएगा 432.92 ग्राम। ये आंसर, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर है मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 9 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट, गिवन डाटा में 9 ग्राम मैग्नीशियम नाइट्रेट है, मोल्स इसके हमने फाइंड करने हैं ऑक्सीजन के। सॉल्यूशन में देखिए मास इसका 9 ग्राम है, मोलर मास 148 ग्राम बनता है। कैलकुलेट करेंगे पहले मैग्नीशियम नाइट्रेट के नंबर ऑफ मोल, दो स्टेप्स पर मुश्तमिल है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट मास ओवर मोलर मास, तो मोल्स हैं मैग्नीशियम नाइट्रेट के 0.06, अब हमने मोल्स ऑक्सीजन के कैलकुलेट करने हैं। एक मोल मैग्नीशियम नाइट्रेट के अंदर ऑक्सीजन के 6 मोल हैं, एक में 6 हैं तो 0.06 में क्या हो जाएंगे 0.36, तो मैग्नीशियम नाइट्रेट 9 ग्राम के अंदर ऑक्सीजन के जो मोल्स हैं वो हैं 0.36। फिर है क्वेश्चन नंबर सी पार्ट इसका, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 10.037 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। बेटा ये भी दो स्टेप्स होंगे, तो गिवन मास देखें 10.037 ग्राम कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम फाइंड करने हैं, मोलर मास इसका फाइंड किया 249.5 ग्राम पर मोल बनता है। पहले हम नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स निकालेंगे इसके, हमें पता है नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई एवोगाड्रो, तो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स आ जाएंगे 2.42 मल्टीप्लाई 10^22
फार्मूला यूनिट्स आ गए, अब फाइंड आउट करेंगे ऑक्सीजन एटम, अब रेशो बनाएंगे। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का अगर एक फार्मूला यूनिट है तो उसमें पाँच और चार नौ ऑक्सीजन है, एक में नौ है, एक मोल में ये है, तो 2.42 मल्टीप्लाई 10 पावर 22 में कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2.18 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 23। फिर कहता है मास इन किलोग्राम ऑफ, 2.6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 20 मॉलिक्यूल ऑफ SO2। बेटा मास चाहिए SO2 का, तो पहले मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, तो हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गिवन है, मास SO2 का किलोग्राम फाइंड करना है, तो हमें पता है मोलर मास 64 है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फार्मूला लगाएं, नंबर ऑफ ये मास आ गया, अब इसको कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम्स के अंदर, तो 1000 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2.764 मल्टीप्लाई टेंस पर माइनस 5 किलोग्राम। फिर है ई पार्ट, कहता है मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम फाइंड करें 0.822 ग्राम ऑफ C2H4Cl2 में, मास ये माना है 0.822 ग्राम, नंबर ऑफ मोल्स क्लोरीन एटम के फाइंड करने हैं, तो पहले हम इस मॉलिक्यूल के मोल निकालेंगे, तो दो स्टेप है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H4Cl2, तो मोल्स निकाले तो इसके मोल्स आ गए 8.30 मल्टीप्लाई टेंस पर माइनस 3। अब नंबर ऑफ मोल्स क्लोरीन एटम के फाइंड करेंगे, इसके एक मोल में दो हैं, तो इसको 8.3 मल्टीप्लाई टेंस पर माइनस 3 में कितना हो जाएंगे 0.016 मोल ऑफ क्लोरीन एटम। फिर एफ पार्ट, कहता है मास इन ग्राम्स ऑफ 5.136 मोल्स ऑफ Ag सिल्वर कार्बोनेट फाइंड करें, नंबर ऑफ मोल्स, बेटा मास फाइंड करना है, मोल गिवन है, तो फार्मूला लगाए सिंपल, मास मोल्स इक्वल टू मास ओवर मोलर मास, तो मास इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई मोलर मास, तो आ जाएगा इसका 1416.2 ग्राम। फिर है मास इन ग्राम ऑफ 2.78 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 22 मॉलिक्यूल ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड, अब क्रोमाइल क्लोराइड के मॉलिक्यूल गिवन है, मास निकालना है, सिंपल मोलर मास निकाल लेंगे पहले, फिर हमने इसके मास कैलकुलेट किया तो यह आता है 0.7158 ग्राम। कहता है नंबर ऑफ मोल्स एंड फार्मूला यूनिट्स इन 100 ग्राम ऑफ पोटाशियम क्लोरेट, अब हम इसको कैसे निकालेंगे, अब देखें मास पोटाशियम क्लोरेट का 100 ग्राम गिवन है, हमें नंबर ऑफ मोल निकालना है, हमें पता है मोल इक्वल टू मास ओवर मोलर मास, तो डायरेक्ट फाइंड किया तो ये आ गए मोल्स, अब उसने कहा नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स, तो मोल मल्टीप्लाई एवोगाड्रो इक्वल टू नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट, तो ये आते हैं 4.91 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 23 आंसर है। फिर है बेटा क्वेश्चन नंबर, उसे कहा है नंबर ऑफ पोटाशियम आयन क्लोरेट आयन क्लोरीन एटम और ऑक्सीजन एटम फाइंड करो एच वाले पार्ट के अंदर, तो देखिए हमारे पास पहले नंबर ऑफ पोटाशियम आयन, तो इक्वेशन को देखें अगर, तो पोटाशियम क्लोरेट जब डिसोसिएट होता है के पॉजिटिव आयन देता है प्लस ClO3 नेगेटिव देता है, अगर एक पोटाशियम क्लोरेट हो तो एक पोटाशियम आयन बनता है, हमारे पास कितना थे 4.91 मल्टीप्लाई 10 पावर 23, तो ये वही पोटाशियम आयन आ गए। नंबर ऑफ क्लोरेट आयन, अगर एक पोटाशियम क्लोरेट हो तो उसके बदले में क्लोरेट आयन भी एक मिलता है, तो एक के बदले एक, तो 4.91 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्लोरेट आयन आ जाएंगे। अब हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ क्लोरीन एटम, एक पोटाशियम क्लोरेट के अंदर क्लोरीन है एक, तो 4.91 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 में वही रह जाएगा, तो ये आंसर आ गया। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, पोटाशियम क्लोरेट ऑक्सीजन एटम वन में थ्री है, तो 4.91 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 हो जाएगा, तो ये इसका आंसर है। कोई बात बेटा, अगर समझ नहीं आई हो तो क्वेश्चन कर सकते हैं, आप अपना फीडबैक प्लीज जरूर दिया करें ताकि हमें पता चल सके कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा। कॉन्टैक्ट नंबर 03017522384। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नगेबान।